हेलो स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज एक नए चीज़ की शुरुआत करने जा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। कई दिन से प्लानिंग कर पा रहा था, लेकिन मुश्किल कोई पर्सनल प्रॉब्लम के कारण इसको पहले एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, तो आज आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ मैं सॉइल, जो हमने सबसे पहला ऑनलाइन चैप्टर सब्जेक्ट पढ़ा था उसके एमसीक्यू, देन इरिगेशन के, फिर ऑटो कैड के, साथ साथ में मैं एस्टीमेट के भी नोट्स आपके बनाने मैंने प्रिपेयर कर दिए और उनके लेक्चर्स भी आपके अपलोड मैं शीघ्र ही कर दूंगा। तो आज के लेक्चर में हम पहले बात करेंगे सॉइल के जो क्वेश्चन है। एक्चुअल में चार पार्ट में आपके सॉइल के एमसीक्यू आएंगे और हर पार्ट में अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस नए चीज के साथ। ठीक है, तो ये आपके सामने सॉइल के एमसीक्यूज इंग्लिश में है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। कोई टफ इंग्लिश नहीं है, तो आप लोग इनसे भी कर सकते हैं। और ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में पढ़ने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हिंदी के अंदर अगर कोई गलती हो जाए, टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, तो इंग्लिश वाले को ही सही माना जाता है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा हमें इंग्लिश के क्वेश्चनों में करनी चाहिए, ऐसा फैक्ट कहता है। तो शुरुआत करते हैं, चलिए आज के हमारे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ही लेके चलते हैं अपन, जो है आपका सॉइल्स आर बेसिकली। तो सॉइल क्या है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, मिनरल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक दोनों है। तो मिनरल बेसिकली नहीं है, मिनरल से सॉइल बनी है, लेकिन सॉइल मिनरल नहीं है, लेकिन सॉइल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकती है। तो अपने लिए आंसर इसका डी एकदम सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोएजन लेस सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय। कोएजन लेस सॉइल किससे बनती है? तो हमने शुरुआत के लेक्चर में पढ़ा था कि कोएजन लेस सॉइल फिजिकल डिसइंटीग्रेशन से बनती है, और कोएजिव सॉइल किससे बनती है? केमिकल वेदरिंग से मिलती है। ठीक है ना, तो हमारा इसका आंसर है ए, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। नेक्स्ट आता है टालूस, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय। टालूस किससे होता है? तो इसका आंसर है आपका डी, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण आपका, आप यू कह सकते हो एक तरीके से विंड सॉइल जो है ट्रांसपोर्ट हो सकती है, तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्सेस यहाँ पे सही आंसर है। लोएस इस सिल्टी क्ले फॉर्म रहा है, एक्चुअल में लॉसेस नहीं होना चाहिए, लोएस होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है। जो आपके हवा के साथ बह के आती है मिट्टी, उसके साथ फ्लो होता है, तो इसका आंसर आपका सी है, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट होते हैं जो पानी यानी ग्लेशियर के साथ पिघल के मिट्टी आती है, तो यहाँ पे ग्लेशियर वाला ऑप्शन अपने पास कौन सा है, वो है सी, तो ग्लेशियर वाटर इसका आंसर है। नॉन कोएजिव सॉइल, इनमें से कौन सी नॉन कोएजिव सॉइल है? सैंड, सिल्ट, क्ले और क्ले एंड सिल्ट। तो ऑब्वियस ही बात है, प्योरली नॉन कोएजिव सॉइल आपकी सैंड है। सिल्ट में थोड़ी सी कोएजिवनेस होती है, क्ले में काफ़ी ज़्यादा होती है, क्ले और सिल्ट का कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए नीचे चलते हैं। और सेवंथ क्वेश्चन की तरफ, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोइंग वाटर, पानी के बहने के साथ जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है एलुवियल सॉइल, सी इसका आंसर है। पानी के बहने के साथ जो सॉइल आएगी वो कहलाएगी आपकी एलुवियल सॉइल। लकुस्ट्रीन सॉइल आर दोज विच आर, लकुस्ट्रीन सॉइल वो सॉइल होती थी जो तालाब के छिछलेपन या तालाब के नीचे से मिलती है, तो इसका ऑप्शन बी मुझे दिख रहा है, डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ लेक्स, तालाब के निचले हिस्सों में, तो ये आपका आंसर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आपका आता है क्ले कैन बी क्लासिफाइड एज,
क्ले को क्लासिफाई किया जा सकता है हाईली कोहेसिव सॉइल, लिमिटेड कोहेसिव सॉइल, कोहेजनलेस एंड अदर। तो क्ले हमेशा से हाईली कोहेसिव सॉइल ही होती है, तो इसका आंसर आपका ए होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोहेसिव सॉइल, निम्न में से कौन सी कोहेसिव सॉइल है, कंकड़, ब्लैक कॉटन सॉइल, लूज कोर सैंड और सैंड विद क्ले। तो इन सबको कंपेरिजन में देखा जाए तो जो बी है ब्लैक कॉटन सॉइल सबसे ज्यादा कोहेसिव है। ठीक है, इसको एक्सपेंसिव सॉइल भी बोलते हैं। इस सॉइल की खासियत क्या थी, जैसे पानी के कांटेक्ट में आती है स्वेल करना या फूलना शुरू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज द फाइनेस्ट ग्रेन्स, निम्न में से कौन सी सॉइल के ग्रेन्स यानी कण सबसे ज्यादा फाइनेस्ट होंगे। तो दिखती बात है जितना छोटा पार्टिकल होगा उतने ही फाइन होंगे, सबसे छोटा पार्टिकल आपका क्ले का ही होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर आपका क्ले होगा। सिल्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, सिल्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है, प्लास्टिसिटी, लिमिटेड प्लास्टिसिटी, नो प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी। तो जो आपकी सिल्ट है उसकी कोई प्लास्टिसिटी नहीं होती है ना, बिल्कुल भी नहीं होती है, ये इनर्ट होती है। कई जगह पे लिमिटेड प्लास्टिसिटी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन सिल्ट किसी प्रकार की प्लास्टिसिटी को रखती नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम साइज ऑफ ग्रेन ऑफ सिल्ट सॉइल इज अबाउट, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा ऑफिस। द मिनिमम साइज ऑफ सिल्ट ग्रेन इज अबाउट 0.0, देखिए मिनिमम की बात हो रही है, छोटे से छोटा कितना हो सकता है। तो जहां पे क्ले शुरू होता है वहां पर सिल्ट खत्म होता है, क्ले शुरू होता है 2 माइक्रोन यानी कि 0.002 पे। तो आप यू कह सकते हैं कि जो सिल्ट का साइज है वो 0.002 यानी डी से इसका सही आंसर है। द मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रेन ऑफ सिल्ट सॉइल इज अबाउट, तो इसका आंसर 60 माइक्रोन है, 60 माइक्रोन से शुरू होता है, 60 माइक्रोन यानी 0.06 mm, तो इसका आंसर ए आएगा आपका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड, एक्चुअल में सैंड होना चाहिए था ये और यहाँ पे लैंड लिखा गया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसका आंसर है सैंडी क्ले लोम। अब देखो क्ले लोम क्या होता है, मिक्सचर, सैंड और क्ले का जो मिक्सचर है जिसमें सैंड की परसेंटेज ज्यादा है तो वो सैंड क्ले लोम कहलाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल इज, देखो सबसे क्ले की स्टार्टिंग कहां से होती है, 2 माइक्रोन से यानी 0.002 mm से, तो यहां पे मेरे को सी ऑप्शन दिख रहा है, सी मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले 0.002 mm होता है, या इसको 2 माइक्रोन भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है द रेशियो बिटवीन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वीवी अपॉन वीएस, दिखती सी बात है वॉइड रेशियो पढ़ते आ रहे हैं। आईएस कोड के अनुसार स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल को 27 डिग्री सेल्सियस सी के ऊपर हम डिटरमाइन करते हैं। देखिए अगर आपका सैंड है तो 27 डिग्री पे, और अगर वाटर होता तो इसको स्टैंडर्ड 4 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम वीवी अपॉन वी क्या कहलाता है, पोरोसिटी कहलाती है, तो यहाँ पे पोरोसिटी का ऑप्शन ए है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आगे नीचे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द प्रेजेंटेशन ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल सॉलिड वाटर, यानी सॉइल के अंदर अगर सॉलिड वाटर और एयर हो तो उसको कौन से डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाएगा, 3-phase डायग्राम सबको पता है। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड इन गिवन वास, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड क्या कहलाएगी, वाटर कंटेंट। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका होगा डी। द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन सॉइल कैन बी डिफाइंड एज, इसका आंसर डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो यहाँ पे ऐसा मुझे सी ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका आंसर सी होगा, वी डब्ल्यू अपॉन वी वी। द रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी इज, वॉइड रेशियो ई और पोरोसिटी एन में क्या रिलेशन है, तो दो रिलेशन होते हैं, ई इक्वल्स टू
एन अपॉन में वन माइनस एन और एन इक्वल्स टू ई अपॉन में वन प्लस ई। तो यहाँ अगर मैं गौर से देखूँ तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे सही लगता है। अगर मैं नीचे ले जाऊँ एन इक्वल्स टू वन ई अपॉन में वन प्लस ई आएगा, जो कि एक सही आंसर है। वेन द पोर्स ऑफ अ सॉइल आर फुल ऑफ वाटर देन, अगर सॉइल के रोम छिद्र या वॉइड्स पूरी तरह पानी से भर जाए तो वो फुल्ली सैचुरेटेड कहलाएगी। तो इसका ऑप्शन बी है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, है ना। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, देखते रहिए बस। अब आगे आपका ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज, सॉइल की ड्राई डेंसिटी, तो ऑलवेज ग्रेटर देन सैचुरेटेड डेंसिटी, रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम। तो दिखती सी बात है, वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम होता है, तो इसका आंसर आपका सी आएगा, डब्ल्यू अपॉन में वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम। ध्यान रखना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं आएगा, टोटल वॉल्यूम आएगा। छोटी छोटी पढ़ने में मिस्टेक के कारण गलतियाँ हो सकती है, ध्यान रखना है। द रेशियो वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या कहलाता है, वॉल्यूम ऑफ पी ए अपॉन वी वी, एयर कंटेंट। अगर वी ए अपॉन वी होता, टोटल वॉल्यूम होता, तो परसेंटेज एयर वॉइस आता, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस ध्यान रखनी है, इन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इन विच सैंपल द परसेंटेज ऑफ पोरोसिटी विल बी लीस्ट, निम्न में से किसके अंदर पोरोसिटी कम से कम होगी। पोरोसिटी सबसे कम आपकी होगी कॉम्पैक्ट सैंड के अंदर, क्योंकि जब सॉइल फुल्ली कॉम्पैक्ट हो जाती है तो उसमें वॉइड रेशियो बहुत ज़्यादा घट जाता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पोरोसिटी काफ़ी घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ वॉइड रेशियो विल बी हाइएस्ट इन, वॉइड रेशियो का परसेंटेज किस में हाइएस्ट होगा, ऑर्गेनिक क्ले, सॉफ्ट क्ले, स्टिफ क्ले या फिर लूज सैंड। तो दिखती सी बात है, जो आपका परसेंटेज ऑफ वॉइड रेशियो है वो लूज सैंड में ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगर सिर्फ सैंड लिखा होता तो मैं क्ले की तरफ जाता, क्योंकि क्ले का वॉइड रेशियो ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ लूज सैंड लिखा है इसलिए मैं आपका लूज सैंड की तरफ जाऊंगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन इसका सही है। द ड्राई डेंसिटी ऑफ विच सैंपल इज एक्सपेक्टेड टू बी हाईएस्ट, निम्न में से किसकी ड्राई डेंसिटी सर्वाधिक होती है। तो दिखती सी बात है, डेंस सैंड की, सैंड का यूनिट वेट भी ज़्यादा होता है, और उसको डेंस कर दे यानी उसका घनत्व बढ़ा दें तो भी वैल्यू ज़्यादा ही आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। द ड्राई डेंसिटी, सॉरी, द परसेंटेज ऑफ वॉइड रेशियो, 31वां क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ वॉइड रेशियो विल बी लीस्ट इन, निम्न में से वॉइड रेशियो का प्रतिशत सिर्फ किस में कम होगा। तो दिखती सी बात है, वॉइड रेशियो उसमें कम होगा जिसका घनत्व ज़्यादा होगा, और यूनिफॉर्म डेंस सैंड इसका एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं ए के साथ जाऊँगा। एक सॉइल सैंपल है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 है, वॉइड रेशियो 0.78 है, वाटर कंटेंट आपको परसेंटेज निकालना है फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए। अगर आपका वॉइड रेशियो हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया है, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन 32 का सॉल्यूशन आपको क्या क्या दिया है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल दिया है, तो S बराबर 1 हो गया, G 2.6 और E 0.78 दे रखा है, तो हमारे पास रिलेशन होता है E बराबर WG अपॉन S। तो इस रिलेशन के अंदर जब पुट करके निकाला मैंने आंसर, तो मेरा आंसर 30% आया, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर B था। तो इसका आंसर क्या है, इसका ऑप्शन है B। नेक्स्ट आता है, अ ड्राई सॉइल हैज मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.35, इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज 2.7 देन वॉइड रेशियो विल बी। एक ड्राई सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 1.35, और पूछा जा रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड 2.7 हो जाए, ड्राई की नहीं, टोटल सॉलिड, टोटल सॉइल की 2.7 हो जाए तो वॉइड रेशियो क्या होगा। तो इसके भी सॉल्यूशन पे चलते हैं।
तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए आप, इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है। वॉइड रेशियो दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, सॉरी वॉइड रेशियो तो निकालना हमें, पहले आपको दे रखी है ड्राई सॉइल की 1.35। तो ड्राई सॉइल का हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ वाटर। तो यहाँ वेट ऑफ सॉलिड की जगह ड्राई सॉलिड आ जाएगी, तो गामा डी की टर्म में लिख सकते हैं। तो मेरे पास ड्राई यूनिट वेट आ गया 13.24। और ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था इंटर रिलेशनशिप में, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E। तो इसके अंदर हम पुट करके ई की वैल्यू निकाल सकते हैं जो आपकी 1 के करीब आती है। तो इसका ऑप्शन आपका बी आएगा। तो इसका आपका ऑप्शन क्या आएगा, बी, ठीक है ना, ध्यान में रखना है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका एक। द ड्राई डेंसिटी ऑफ विच सैंपल में बी एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट, निम्न में से किसकी ड्राई डेंसिटी कम से कम होगी, सबसे हैवीएस्ट क्ले होगी उसकी कम से कम होगी। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे हैवीएस्ट क्ले आपकी बेंटोनाइट है, इसकी लीस्ट होगी सबसे डेंसिटी। बेंटोनाइट क्ले के बारे में मैंने बताया था, हैवीएस्ट क्ले अवेलेबल ऑन अर्थ में से इसको काउंट किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका बेंटोनाइट क्ले लीस्ट डेंस सॉइल कहलाती है। इफ द पोर्स ऑफ सॉइल आर कंप्लीटली फुल ऑफ एयर ओनली, अगर सॉइल के पोर पूरी तरह हवा से भरे हों तो वो सॉइल क्या कहलाएगी, ऑब्वियसली बात है ड्राई सॉइल कहलाएगी। कुछ क्वेश्चन इजी से आ जाते हैं, लेकिन हमें क्या है कि इन सबको फ्लो में चलते रहना, आगे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन आएंगे मैंने किया तो। नेक्स्ट आता है द यूनिट वेट ऑफ सॉइल एट जीरो एयर वॉइड्स डिपेंड्स अपॉन, यूनिट वेट ऑफ सॉइल जिसका एयर वॉइड जीरो वो किस पे डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट, यूनिट वेट, तीनों पे करेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी मैक्सिमम होगी तो जीरो एयर वॉइड को रिप्रेजेंट करेगा, वाटर कंटेंट मिनिमम होगा तो करेगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर होगा तो करेगा। तो इसका ऑप्शन आपका डी है, ठीक है ना, ऑल ऑफ द अबव। जीरो एयर वॉइड्स मतलब पानी पूरी तरह से भरा रहे तो एयर वॉइड होंगे नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी तो एयर वॉइड होगा नहीं, यूनिट वेट ऑफ वाटर ज्यादा होगा यानी वॉइड से पानी ज्यादा भरा है, इसलिए यहाँ पर आपका होगा ही नहीं मामला। द वेट ऑफ वाटर पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कॉल्ड मॉइस्चर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर, सॉरी यहाँ देखो पढ़ने में गलती होगी, मेरे से भी गलती हो सकती है। द वेट ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम पूछ रहा है तो ये यूनिट वेट ऑफ वाटर को करेगा, हम जल्दबाजी में जैसे मैंने किया ए कर देते हैं तो दिक्कत हो सकती है, इसका ध्यान रखना है, वेट अपॉन वॉल्यूम को वो पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन पे। तो 38 क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ बल्क डेंसिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ सॉइल मास द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड, अगर आप डेंसिटी निकाल रहे हो तो डेंसिटी हमेशा स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में निकाली जाती है। तो इसका आंसर होगा आपका बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, 4 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का सबसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंडी सॉइल इज, सैंडी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो 2.67 होती है, लेकिन 2.67 का नियरेस्ट 2.6 है तो हम इसके साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल वॉज फाउंड टू बी 40%, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 एंड वॉइड रेशियो इज 1.2, देन डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल विल बी, देख लेते हैं हमारे पास सॉल्यूशन किया हुआ है। तो अगर आप आएंगे इसके सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 40 के, तो आपके पास मिलेगा 90%, ठीक है ना, ई बराबर डब्ल्यू जी अपॉन एस, ये आपके इसके सही आंसर को बता रहा है डी को 40 के, ठीक है ना, सॉल्यूशन आपके सामने है तो आपको 40 का ऑप्शन क्या है, डी 90%, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन, और आप यू कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चन कई बार गेट वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं,
अब एक दो तरह की सॉइल है देखो, एक अपर सॉइल एक लोअर सॉइल। इसको परमियमीटर में भर रखा है, परमियबिलिटी निकालने के लिए हमारा कॉन्स्टेंट हेड और फॉलिंग हेड परमियमीटर होता था, उनमें इनको भर रखा है ठीक है। और इनके प्रेशर हेड को निकालना है, कैलकुलेट करना है पॉइंट ए पे, ये रहा पॉइंट ए नीचे लिख रखा है, वो उनकी वैल्यू होगी। तो टोटल हेड निकालना हो तो टोटल हेड ए पॉइंट तक जितनी हाइट है पानी से लेके नीचे तक की कैलकुलेट कर लो, तो होगी 25 25 25, तो वो होगी आपकी 75। और प्रेशर हेड निकालना है तो जो सैंड पे निकाल रहे हैं उसकी डेप्थ को कंसिडर करते हैं हमेशा, तो इसका आंसर है 25, यानी 75 25 इसका आंसर है। और ये ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है डी के अंदर, तो मेरा इसका डी एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट आ रहा है, द फॉर द पर्पज ऑफ डिजाइनिंग अ वेल पॉइंट सिस्टम फॉर लोवरिंग ग्राउंड टेबल इज सैंडी सिल्ट सॉइल। सैंडी सिल्ट सॉइल पढ़नी है, उसके लिए परमियबिलिटी निकालनी है, तो कौन सा टेस्ट करेंगे? इसका आंसर है सी। मुझे पता था कई लोग ए पे चले जाएंगे। देखिए फील्ड में कर रहे हैं, और फील्ड के अंदर हमेशा पंपिंग आउट टेस्ट किया जाता है, बेस्ट होता है सैंडी सॉइल के लिए। ध्यान रखना है जल्दबाजी में लैब वाला कांस्टेंट ऐड कर देते तो ये गलत हो जाता है, खोटा हो जाता है ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का कि क्या पूछा जा रहा है, उसको पढ़ना है फिर आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन। अ फ्लो नेट ऑफ कोफर डैम फाउंडेशन 6 नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स एंड 12 नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल नॉब, यानी NF और ND दे रखा है, K दे रखा है, H दे रखा है, आपको सीपेज लॉस क्यू निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो ये रहा आपके सामने लिखा गया है 43 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्यू इक्वल्स टू के एच इंटू NF अपॉन ND हमने पढ़ा था, K की वैल्यू दे रखी है, पुट कर दिया तो 12 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मीटर क्यूब पर मिनट आ गया इसका आंसर। तो ये आपका आंसर किस में आ रहा है? सी ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी आपका इसका आंसर सी है। टू शीट पाइल, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना, शीट पाइल हमारे कोर्स में नहीं है तो आप इसको स्किप करेंगे। शीट पाइल आपके कोर्स में नहीं है, एडवांस में आती है। नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म सॉइल स्ट्रेटम है जिसकी डायमीटर थिकनेस है और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.62 है और नेचुरल वर्ल्ड रेशो 0.62 है। तो हाइड्रोलिक हेड निकालना है जो कि क्विक सैंड कंडीशन कैलकुलेट करनी है। तो देखो क्विक सैंड कंडीशन का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता था जी माइनस वन अपॉन वन प्लस सी। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ये देखिए आप, एच दे रखा है डायमीटर, जी 2.62 दे रखा है, तो मैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल लूंगा E1, यानी मेरे कोई चेंज नहीं आएगा, यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आ रहा है, मतलब मुझे टोटल हेड डायमीटर का रिक्वायर्ड है क्योंकि मेरा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हेड लॉस तो यूनिट आ गया। तो यहाँ पे इसका आंसर सी होगा इस क्वेश्चन का। तो 45 का आंसर आपका यहाँ पर सी है, 2.5 मीटर, ध्यान रखना है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वेट सॉइल एयर ऑक्यूपाइज 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड वाटर ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, देन वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल। एक सॉइल है उसके वॉइड्स का 1/6 भाग पानी ने, सॉरी एयर ने, और एक एक तिहाई भाग पानी ने कर लिया, तो उसका वॉइड रेशियो कितना होगा? ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन है। देखिए देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर बता रखा है इसने, टोटल वॉल्यूम मान लिया हमने वी है, वॉल्यूम ऑफ एयर बता रहा है 1/6 ऑफ वी, वॉल्यूम ऑफ वाटर बता रहा है 1/3 ऑफ वी, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितने हो गए? दोनों को जोड़ दिया, V/2 यानी कि 0.5 V। तो वॉइड रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर 50% वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है तो रिमेनिंग 50% क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है। तो इस रेशियो को अगर हम देखें तो हमारा वन आंसर आता है जो कि हमारे सी ऑप्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका आंसर आपका सी है, वन, ठीक है ना, ध्यान रखना है इसका आंसर सी है। ड्यूरिंग परमेबिलिटी टेस्ट ऑन सॉइल सैंपल फॉलिंग हेड परमियामीटर हैज इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ ड्रॉप H1 to H2 एंड देन H2 to H3, यानी कोई फॉलिंग हेड टेस्ट कर रहे हैं उसमें हेड का फॉल हो रहा है H1 H2 और H2 से H3, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा? तो इनके बीच में जो कॉमन है दोनों में आ रहा है, तो H2 square equals to H1 H3, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। द बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल कैन बी डिफाइंड है, सॉइल की बल्क डेंसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं?
वेट अपॉन वॉल्यूम, या आप यूं कह सकते हो यूनिट वेट ऑफ सॉइल भी आपका बल्क डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यूनिट वेट वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से सी एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन पे। द सबमर्ज डेंसिटी ऑफ सॉइल इज द रेशियो ऑफ सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल लेस वाटर ऑफ सॉइल इज टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉइड्स इन द वॉइड सॉइल। यानी वेट ऑफ सॉइल में से जब पानी का वेट घटाएंगे और उसका रेशियो लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जिसमें से वॉइड रेशियो को घटाएंगे, तो आपके ये सबमर्ज वेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका आंसर आपका सी है। अब आपको दे रखी है रिलेशन बताना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो और डिग्री सेचुरेशन। तो मैंने बताया था एस सी इक्वल्स टू डब्ल्यू जी, एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी अपॉन एस। तो सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट आता है द पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल हैविंग इट्स वॉइड रेशियो इक्वल टू यूनिटी। अगर कोई सॉइल जिसकी वॉइड रेशियो की वैल्यू 1 हो तो उसकी पोरोसिटी कितनी होगी। तो अगर वॉइड रेशियो की वैल्यू 1 होने पे पोरोसिटी के लिए इसको कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं। ये देखिए वॉइड रेशियो वीवी अपॉन वीएस, ई की वैल्यू 1 रख दी तो वीवी बराबर वीएस हो गया, और टोटल वॉल्यूम क्या होता है वीवी प्लस वीएस। तो जैसे ही मैंने इनको लिया तो इसको 2 वीवी कह दीजिए या 2 वीएस कह दीजिए, जब मैंने पोरोसिटी के फॉर्मूले में पुट किया वीवी अपॉन वी तो मेरे पास वैल्यू हाफ आई, यानी 0.5 × 100 50% आंसर आया इसका। तो इसका आंसर क्या है आपका बी है। तो यहाँ पर आपका आंसर 50% बी आएगा, 51 का आंसर। ठीक है, ध्यान रखना है। ए सॉइल सैंपल हैज पोरोसिटी 40%, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज 2.70। तो इसका आंसर क्या होगा, अब देखें यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, सीधा पोरोसिटी और वॉइड रेशियो का रिलेशन है इक्वल्स टू एन अपॉन में 1 - n, उसमें पुट करेंगे तो 0.667 आंसर आएगा। कैलकुलेट किया था, आप भी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, साइज ऑफ अपर्चर ऑफ आईएससी 300 माइक्रोन इज, आंसर इज बी, 300 माइक्रोन है यानी 0.300, 1000 से डिवाइड करना है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीव एनालिसिस ऑफ सॉइल सैंपल इज डन ऑफ द पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू स्क्वायर ओपनिंग ऑफ। सीव एनालिसिस उन सॉइल पार्टिकल्स का किया जाता है जो कि गुजर नहीं पाते हैं 75 माइक्रोन की सीव से, यानी 0.075 mm, यानी 75 माइक्रोन का आंसर यहाँ पर है। यानी जो पार्टिकल 75 माइक्रोन पर अटक जाते हैं उनके लिए सीव एनालिसिस किया जाता है, जो इनसे पास हो जाते हैं उसके लिए सेडिमेंटेशन एनालिसिस किया जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 56th क्वेश्चन पे। कोर सीव एनालिसिस इज डन फॉर द मटेरियल विच रिटेन्स ऑन आईएस सीव नंबर ओपनिंग साइज। कोर सीव यानी कोर सेंट, कोर सेंट 2 mm से शुरू होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर 56 का 2 mm आएगा। नेक्स्ट पूछा जाता है आपसे द इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल, सॉइल का इफेक्टिव साइज क्या होता है, D10 हमने पढ़ा था। द यूनिफॉर्मिटी कोफिशियंट ऑफ सॉइल D60/D10, सी आंसर है इसका, सबको पता है। एक सॉइल है उसकी यूनिफॉर्मिटी कोफिशियंट मोर देन 10 है तो क्या कहलाएगी, जिस सॉइल की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होता था कोफिशियंट यूनिफॉर्मिटी तो वेल ग्रेडेड सॉइल होती थी, और यहाँ तो 10 के आसपास है तो ये वेल ग्रेडेड सॉइल सी को रिप्रेजेंट करेगी। ग्रुप सिंबल अलाउज टू सिल्टी सैंड एंड क्ले सैंड रिस्पेक्टिवली। तो सिल्ट को एम को से करते हैं, सैंड को एस से करते हैं, क्ले को सी कर से करते हैं। तो सिल्टी सैंड हो गया SM और सिल्टी क्ले हो गया SC। तो इसका आंसर आएगा आपका सी, गेट 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। हमने जो शुरू शुरू में सिंबल पढ़े थे उनसे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉइल हैविंग यूनिफॉर्मिटी कोफिशियंट मोर देन 10 देन इट इज कॉल्ड, अभी जो पढ़ा था वही क्वेश्चन सेम आ गया आपका, है ना, कौन सा यूनिफॉर्म सॉइल कहलाएगी।
ठीक है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, सॉरी वेल ग्रेडेड सॉइल कहलाएगी, यूनिफॉर्म नहीं वेल ग्रेडेड, यूनिफॉर्म तो पुअरली होता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया क्या, सॉरी गलती कर दी मैंने यहाँ पे इसको। 61 क्वेश्चन देखना था, अगर कोफिशेंट मोर देन 10 हो तो वो वेल ग्रेडेड सॉइल कहलाएगी, अगर यूनिफॉर्मिटी कोफिशेंट लेस देन 4 हो तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कहलाएगी, यानी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड को पुअरली ग्रेडेड। ये क्या होता है, इनमें एक ही तरीके के पार्टिकल पाए जाते हैं, तो एक ही तरीके के पार्टिकल पार्ट होने से सॉइल की जो प्रॉपर्टी वो अच्छी नहीं होती, इसलिए इसको यूनिफॉर्मली या पुअरली ग्रेडेड कहते हैं। द पार्टिकल डायमीटर करस्पॉन्डिंग टू 20% फाइनर देन ग्रेन साइज कर्व इज कॉल्ड D20। 20% से ज़्यादा पार्टिकल पास आउट हो सकते हैं, D20 कहलाएगा। आइंडर स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार अगर एक सिल्टी क्ले है जिसकी लिक्विड लिमिट 40% है और प्लास्टिसिटी इंडेक्स 28% है तो वह कहलाएगी। तो जिस सॉइल की प्लास्टिसिटी इंडेक्स सीधा सा एक इंडिकेशन है आपका 17% से ऊपर हो तो वह इंटरमीडिएट कहलाएगी। तो यहाँ पर इसका आंसर सी आई आएगा, सिल्टी क्ले, ठीक है ना। तो इसका आंसर है आपका सी आई, लिक्विड लिमिट 40% है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स 28% है, तो इसका आंसर बी आएगा। द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द वाटर कंटेंट इन सॉइल सैंपल इज ओवन ड्राइंग मेथड, सिंपल सा सबको पता है। ओवन ड्राइंग मेथड में टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 110 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब जो 67 नंबर क्वेश्चन है इसमें मेरे को भी गड़बड़ लगी, इसका आंसर मुझे अप्रोप्रिएट मिल नहीं पाया। सीपेज और परमेबिलिटी तो निकालते हैं, फ्लो नॉट क्यों ड्रॉन किया जाता है, तीन चीजों के लिए किया जाता है। सबसे पहला सीपेज के लिए, डिस्चार्ज के लिए और एग्जिट ग्रेडियंट के लिए। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एग्जिट ग्रेडियंट और सीपेज, डिस्चार्ज है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन गलत है, 67 डिलीट होगा, इसलिए मैं इसको छुड़वा रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ फ्लो नेट इज ड्रॉन फॉर वियर, वियर के लिए फ्लो नेट ड्रॉन किया गया है, तो टोटल हेड लॉस 6 है, 6 मीटर है और पोटेंशियल ड्रॉप ND 10 है, तो लेंथ ऑफ फ्लो पार्ट स्क्वायर B 1 है, तो एग्जिट ग्रेडियंट क्या होगा, तो एग्जिट ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है IE इक्वल्स टू H अपॉन BND। ये आपके सामने H दे रखा है 6, B 1 है, ND 10 है, तो 0.6 आ गई वैल्यू, आंसर इसका ये है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। 69 क्वेश्चन, फ्लो नेट के अंदर आपको NF और ND की वैल्यू दे दी, K दे दी, क्वेश्चन छोड़ना है क्योंकि ये आपका शीट पाइल का क्वेश्चन है, नहीं हो पाएगा, एनिसोट्रॉपिक सॉइल का कंडीशन लगती है उसमें, तो आपको 69 नंबर क्वेश्चन स्किप करना। 70वां क्वेश्चन, आइसोबार डायग्राम क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे इक्वल वर्टिकल स्ट्रेस होता है, तो ऐसा ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है, सी ऑप्शन दिखा रहा है, तो मेरे यहाँ पे हिसाब से यहाँ पर आंसर सी होगा, वर्टिकल स्ट्रेस इज सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमार्क चार्ट बना के दिया हुआ है, इसमें दो सेक्टर दिए हैं, एक और दो, तो इनमें से किसके अंदर यील्ड प्रेशर ज़्यादा होगा। तो न्यूमार्क चार्ट की खासियत क्या थी कि वो उन पॉइंट के ऊपर ड्रॉ किया जाता था जहाँ पर सेम वर्टिकल प्रेशर होते थे, यानी एक और दो पे कोई प्रेशर चेंज नहीं होगा, तो ही वो उसको कैलकुलेट करेगा, और ऐसा ऑप्शन मेरे को दिखता है सी, एक और दो यील्ड द सेम, ठीक है ना, सेम ही प्रेशर रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये न्यूमार्क चार्ट की खासियत थी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल लेयर, पॉइजन्स रेशियो, यंग्स मॉडुलस, फाइनाइट नेचर, इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल, रिजिडिटी और फुटिंग, इनमें से वेस्टरगार्ड किसके लिए इस्तेमाल होता था। तो वेस्टरगार्ड एनिसोट्रॉप अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए आता था, तो स्ट्रेटिफाइड सॉइल में जब अलग अलग सॉइल होती है उनके रिलेशन के लिए पॉइजन्स रेशियो काम आता है एक तो, और क्योंकि फुटिंग की डिजाइन में काम आता है तो इसका 5 और रिजिडिटी ऑफ फुटिंग, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, 1 और 5, पॉइजन्स रेशियो एंड रिजिडिटी ऑफ फुटिंग, ठीक है। द मेथड ऑफ डिटरमिनेशन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सबसे बढ़िया तरीका एक ही होता है, वो है पिकनोमीटर मेथड।
कोई तरीका नहीं है, सबसे बढ़िया है तुरंत आपको पता है क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द श्रिंकेज रेशियो ऑफ सॉइल इज इक्वल टू मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल इन इट्स ड्राई स्टेट। श्रिंकेज लिमिट वो रेशियो वो होता है जहाँ पे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होगा, तो इसका आंसर आपका ए आएगा। मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच द रिडक्शन इन वाटर कंटेंट विल नॉट कॉज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम। ऐसी लिमिट जहाँ पे पानी कम करने से वॉल्यूम में कोई कमी नहीं हो, तो वो आपका श्रिंकेज लिमिट होता है, बी आंसर है। द मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट एट विच द सॉइल रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट बट जस्ट स्टार्टेड एग्जिबिट ए स्मॉल शेयर स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, थोड़ी सी शेयर स्ट्रेंथ दे रहा है। अगर लिक्विड लिमिट होती तो बिल्कुल ही नहीं होती, लिक्विड की तरह फ्लो करता, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेंथ दे रहा है इसलिए इसका आंसर कंसिस्टेंसी लिमिट होगा, ध्यान रखना है। द मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट एट विच सॉइल जस्ट बिगिन टू क्रम्बल, वो लिक्विड लिमिट जिसपे सॉइल के 3 mm के धागे बनाए टूटना शुरू कर दे, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका प्लास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। हमने पढ़ा था इसके बारे में। प्लास्टिक लिमिट निम्न में से किस में होती है, क्ले में होती है भाई, सैंड में हो नहीं सकती, सिल्ट नॉन प्लास्टिक है उसमें भी नहीं हो सकती, और ग्रेवल में तो मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। 79 रिलेशन बिटवीन ड्राई डेंसिटी बल्क डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट। गामा डी इक्वल्स टू गामा अपॉन 1+W, तो मेरे को इसका आंसर बी ठीक लग रहा है, बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सैचुरेटेड डेंसिटी ऑफ सॉइल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। सैचुरेटेड डेंसिटी क्या होती है, वेट ऑफ सॉइल इन वाटर टू इट्स वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉइल माइनस वेट ऑफ इक्विवेलेंट वाटर। यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल बताएगा एक्चुअली, इसको आंसर डी होना चाहिए। द परसेंटेज ऑफ पोरोसिटी इन लूज सैंड, ढीली मिट्टी में पोरोसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू 40 से 50 होती है, और कॉम्पैक्ट सैंड होगी तो उससे 10% कम होती है, 30 से 40 आंसर है। तो 81-82 ये आंसर याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द लिक्विड लिमिट डिफाइंड है ना, वो लिमिट वाटर की जिसमें पानी फ्लो करना लग जाए, तो वो इसका आंसर सी है, सी आंसर है, डी नहीं है, इसका आंसर सी है, ठीक है ध्यान रखना है। ये थोड़ा बीच में बन गया, सी इज द राइट आंसर। 83 क्वेश्चन आज के हमारे हो गए हैं, बाकी आगे के भी करते हैं कंप्लीट। 100 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा मेरा रोज का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो बिटवीन लिक्विड लिमिट माइनस द नेचुरल वाटर कंटेंट टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज नोन एज कंसिस्टेंसी लिक्विडिटी रेशियो। नेचुरल वाटर कंटेंट में से प्लास्टिसिटी इंडेक्स को माइनस करके, सॉरी प्लास्टिक लिमिट को डिवाइड करके, अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी से डिवाइड कर दिया तो लिक्विडिटी रेशियो कहलाएगा। द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इन द प्लास्टिक लिमिट स्टेट, प्लास्टिक लिमिट स्टेट में कितनी होती है, थोड़ी सी होती है, बहुत स्मॉल। द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इन लिक्विड लिमिट स्टेट जीरो होती है। द लिक्विड एंड प्लास्टिक लिमिट एग्जिस्ट इन, लिक्विड और प्लास्टिक दोनों लिमिट किस में होती है, सैंड में नहीं होती, सिल्ट में नहीं होती, ग्रेवल में नहीं होती, क्ले में होती है, तो क्ले इसका सही आंसर है 87 का। द प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, तो बी आंसर है। वेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट, तो प्लास्टिसिटी, अगर प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट से ज़्यादा होता है तो उसको जीरो इंडिकेट करते हैं, तो इसका आंसर बी है, ठीक है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता प्रैक्टिकली, तो कई बार वैल्यू आ जाती है सैंडी सॉइल के अंदर में, तो उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स जीरो शो करना पड़ता है। व्हेन द प्लास्टिसिटी ऑफ इंडेक्स ऑफ सॉइल इज जीरो देन सॉइल इज, अगर सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स जीरो तो वो क्या कहलाएगी, सैंड कहलाएगी। द लिक्विडिटी इंडेक्स डिफाइन, अभी आया था ऊपर, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल्स टू लिक्विड लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट,
ठीक है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, प्लास्ट लिमिट टू द श्रिंकेज लिमिट आएगी। इसका आंसर डी होगा, ठीक कर लेना। द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ लूज सैंड इज अबाउट, लूज सैंड की प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती नहीं है प्लास्टिक, नन ऑफ द अबाउट। द रेशियो डिफरेंस बिटवीन द वर्ड रेशियो ऑफ कोहेजन लेस सॉइल इन लूजर स्टेट, यानी वर्ड रेशियो लूजर स्टेट नॉर्मल और डेंसेस स्टेट में रिलेशन बताना है, तो ऐसा एक रिलेशन होता है रिलेटिव डेंसिटी आईडी, जिस जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। व्हेन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सैंपल ऑफ सॉइल इज 6, देन सैंपल मस्ट बी सिल्ट। 7 से ऊपर होता तो क्ले होता, उससे नीचे सिल्ट है, 3 से नीचे होता तो सैंड होता। कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज गिवन बाय, कंसिस्टेंसी होती है लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स, यानी ऑप्शन आपका सी है। फ्लो इंडेक्स ऑफ सॉइल इंडिकेट्स, फ्लो इंडेक्स क्या करती है, फ्लो इंडेक्स है कि काम है अलग अलग वाटर कंटेंट पे शियर स्ट्रेंथ की वेरिएशन को दिखाना, तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही है एकदम। प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ हाईली प्लास्टिक सॉइल 20 से 40 होती है, टेबल में लिखाया हुआ है। द सॉइल इन इंडिया आर क्लासिफाइड पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग, तो सी इसका आंसर है। तो अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ जाए ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट फॉर लिक्विड लिमिट्स, है ना, और अलग अलग स्केल पे नंबर ऑफ ब्लोस के अकॉर्डिंग करना पड़ जाए, तो एक ही कर बनता है, वो कहलाता है फ्लो कर। ये रहा फ्लो इंडेक्स पढ़ा था, वहाँ पे काम आता है। द स्लोप ऑफ फ्लो कर ऑब्टेन फ्रॉम लिक्विड लिमिट एक्सप्रेस्ड एज द डिफरेंस इन वाटर कंटेंट इज नोन एज फ्लो इंडेक्स। द रिजल्ट ऑफ 4 कॉम्पेक्शन टेस्ट, ABCD सॉइल है, इसे कॉम्पेक्शन दिखा रखा है। तो जब भी आपको इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम के अंदर वॉइड रेशियो और वाटर कंटेंट के बीच में दिखे, तो हमेशा सिल्टी सैंड और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये इसका इंडिकेशन है, याद करना रटना पड़ेगा। तो ये आज के अपने 102 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं सॉइल के। कल मिलेंगे आगे इन्हीं के कंटिन्यूशन के अंदर, 400 कुछ क्वेश्चन है, 4 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद मैं शुरुआत करूंगा आपके इरीगेशन के साथ, उसके क्वेश्चन करेंगे, साथ में एस्टिमेट के नोट्स भी मैं 1-2 दिन में अपलोड करने शुरू कर दूंगा। होपफुली आप लोग पढ़ रहे होंगे इन क्वेश्चन को, प्लीज़ कीजिएगा, ठीक है। तो सारी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए मैं रोहित व्यास साइनिंग ऑफ, थैंक यू।